व्हाट्स अप एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसा गेम खेलने वाले हैं जो आपने पहले भी खेला होगा और देखा भी होगा काफ़ी वीडियोस। मैंने कभी नहीं खेला है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, माय वाइफ एंड डॉटर वे मर्डर्ड, मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मारा गया था। मेरा नाम है डगलस और लेट्स फाइंड द मर्डरर। भाई ग्राफिक्स तो बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये गेम जिसका नाम है एंडलेस नाइटमेयर पार्ट 1। इस पे आई थिंक डिफ़िकल्टी हम लोग अभी सेट नहीं कर सकते हैं, एज यू कैन सी ये सिंपल पे सेट किया गया है। लेट्स ट्राई इट। हाँ, तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल लेवल अनलॉक्ड है। नॉर्मल और नाइटमेयर जब हम लोग ये सिंपल फिनिश कर देंगे उसके बाद जाके शुरू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारी गेम शुरू हो चुकी है गाइस। देख के तो लगता है ये किसी ऑफिस टाइप का रूम है और घड़ी पे अभी रात के 11 बजे हैं। गाइस फन वाली बात ये है कि मेरे यहाँ भी अभी रात के 10-11 बजे हुए हैं और मैं अकेली रहती हूँ और मैं अकेले घर पे ये खेल रही हूँ अभी रात के वक्त। तो लेट्स सी गाइस कि मैं सुबह तक ज़िंदा रहती हूँ कि नहीं। और यहाँ मैं रूम को थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। ये दरवाजे के पीछे क्या है? अच्छा, रास्ता है कोई। अभी दरवाजे को बंद रखते हैं, मुझे डर लग रहा है। काफ़ी बुक्स रखी है, टीवी है, लैपटॉप भी है, नोट है कुछ। तो गाइस नोट पे लिखा है कि हमें किलर को ढूंढना है और कि ये जो कैरेक्टर है ये अपनी पूरी लाइफ उस किलर को ढूंढने में निकाल दिया है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो देखते हैं और क्या क्या है इस रूम में। ये क्या है? अच्छा, इसके अंदर छिपा जा सकता है, ठीक है। कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे? ओके, यहाँ क्या है? ये नहीं ओपन होती है। अच्छा भाई यार, कितनी क्रीपी फ़ोटो है। ये सब मैं रात के वक्त देख रही हूँ और घर पे कोई नहीं है। आप लोग समझ सकते हो मेरी हालत गाइस। मेरी ही गलती है कि मैंने रात को खेलने का डिसाइड किया, क्योंकि मैं खुद ही को थोड़ा डराना चाहती थी। ये है पुलिस यूनिफॉर्म जो ये कैरेक्टर पहनता है। और देखते हैं रूम में क्या क्या है। इस यूनिफॉर्म से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। इधर देखते हैं क्या रखा है। कुछ भी नहीं है। ये कौन से पुराने ज़माने की टीवी रखी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गेम के साथ। मुझे जाने में तो डर लग रहा है, पर जाना तो पड़ेगा। चलिए, यहाँ भी पेंटिंग है। तो हमें जाना है मास्टर बेडरूम सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। चलिए। ओह शिट, ये क्या हुआ? हाँ, मैंने रात को खेलने का क्यों सोचा, मुझे वापस जाना है। पीछे भी कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करूँ, आगे जाओ। ओके भाई, कुछ मत होना। ये क्या है? ये केक है। ओके, ये बहुत क्रीपी है भाई साहब। ये क्या हुआ? ओके, ये भाई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे एमी जेम्स निक। ओके, ये एमी निक हैप्पी बर्थडे। भाई ऐसे क्या बर्थडे मना रहे हो? ऐसे कौन बर्थडे मनाओ? मुझे नहीं खेलना है, मेरे को माफ़ करो, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं खेलना, मेरे को नहीं जाना गाइस। इधर क्या है? इधर ओपन नहीं होती। मुझे नहीं जाना यार। तो कौन है भाई? कितना क्रीपी है। मुझे नहीं जाना, मुझे भाई, बस इसीलिए मेरे को हॉरर गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जो अचानक से आ जाते हैं ना फेस पे, आई हेट दीज। ये क्या है अब? डरा दिया। ये एक गन है, गन उठा सकते हैं क्या? नहीं, ट्रायंगल की। ओके, ट्रायंगुलर की। ओके ओके, हम लोग रियलिटी में वापस आ गए। हम लोग दूसरे डिमेंशन में जाके हमने चाबी लेके आई है वापस, अपने आप को हार्ट अटैक देके एटलीस्ट वापस आ चुके हैं। कितनी पेंटिंग्स लगी हुई है, ये घर सुंदर है।
आगे बढ़ते हैं भाई। फिर से जंप स्केयर मत दे देना प्लीज़। ये क्या है इसकी आवाज़ भाई? ये आवाज़ बंद कराओ कोई, ये कितना डरावना है। कि ये फ़ोटोज़ की सबके मुंह पे क्यों ये किया हुआ है? ये कौन सा बात हुआ? ओके बस चलते हैं। यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है पता नहीं क्यों। ओके शायद हमें इधर ही जाना है, सेकंड फ्लोर का मास्टर रूम में जाना था। ओके हाँ यहीं की है, लेट्स गो भाई। ओके ओके कोई है कोई है कोई है कोई है कोई है, क्या करूँ? अच्छा इसके अंदर छिपना है, अच्छा हाइड करना है। ऐसी कोई औरत टाइप आई थी उससे हाइड करना है। ओके कोई आ रहा है, ओह शिट। ओके भाई चाकू लेके घूम रही है ये आंटी। हेलो भाई, मैंने इतने टाइम से ये गेम देखा था, मुझे नहीं पता था ये गेम इतनी क्रीपी है। ये क्या है? ये तो नहीं थे इधर, अच्छा कोई बात नहीं। सारे फ़ोटोज़ पे स्क्रिबल्स क्यों की हुई है? फ़ोटो फ़ोटो ऑफ लीजा, मतलब उसकी वाइफ और उसका वेडिंग फ़ोटो। ओके इधर एक कैमरा रखा हुआ है, अच्छा ये उठती नहीं है क्या? अच्छा ठीक है हाँ जी, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। कपड़े गिरे हुए हैं, साफ़ सफाई नहीं करता कोई यहाँ पे। चलिए गाइस हम लोग रूम के बाहर जाके देखते हैं क्या है। ओके ये तो नहीं थी। ओ यार ये कौन सोया हुआ है अभी? यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अभी, ये खेलने के दरवाज़ा भी लॉक हो गया। खुल जा भाई, मुझे नहीं जाना है इधर, खुल जा। ओके क्या किया जाए? अच्छा देखते हैं रूम में और कुछ है तो। ओके हमें शायद जाके उठाना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, ये भी पक्का लॉक होगी, पता ही था मुझे। ओके मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, जाना तो पड़ेगा गाइस। ओके चलते हैं। ये क्या है? ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है लीजा और जेम्स जिसका कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे हैं, उसका और उसकी वाइफ का जो शादी हुआ था वो एक मिस्टेक था, गलती था। और वो ये क्या हुआ? ओके एटलीस्ट चली तो गई ये, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? ओके इस पे लिखा हुआ है कि इवन दो हम लोग काफ़ी लड़ाइयाँ करते थे, मैं फिर भी अपनी वाइफ से काफ़ी प्यार करता था। चेंज अच्छा है, अच्छा चलो अगले रूम में जाते हैं। और ये क्या है? ओ ये इन ओ नो, ये क्या गुड़िया रखी हुई है? दो तीन तीन गुड़िया हैं। ये फ़ोन बज रहा है क्या करें? कुछ मत करना भाई, मैंने क्या किया है? इधर लिखा हुआ है कि तुम्हें अपने पति के साथ बात करनी चाहिए लीजा के फ़ोन पे, यानी मेरी वाइफ के। भाई ऐसे डराया मत करो, मैं रो लूँगी, अकेली हूँ घर पे, समझ नहीं आता चार गुड़िया कैसे हुई, अभी तो तीन रखी हुई थी। ओके ये क्या है? एक और फ़ोटो, ये मतलब मेरी बेटी का फ़ोटो जो गेम पे है। इसने प्रॉमिस किया है ये मर्डर को ढूंढ के रहेगा उसकी बेटी के लिए, तो आई गेस आगे बढ़ते हैं। ये सब कितनी डरावनी है, इधर कुछ करने का नहीं है, नहीं हमें निकल जाना है। ओके मैं पहले ही पीछे हो रही हूँ भाई साहब, यहाँ पे अभी ये हो रहा है, वहाँ पे औरत रो रही है, भाई वो क्या रहा है इस गेम पे? सब टूटा फूटा है। आंटी आप क्यों रो रहे हो? ये रूम क्या आपने क्या हालत किया है? सफाई कौन करेगा आप? ये वेडिंग फोटो दोनों की। ओके आंटी मुझे जाने दो, मुझे नहीं पूछना आपके बारे में कि आपको क्या हुआ है नहीं हुआ है। ओके ऐसे ही मैं नहीं ऐसे ही करूँगी अब से, इसके बाद भी अगर फिर से कोई रोती हुई बच्ची और डॉल वॉल आ गया ना, यही करूँगी मैं कि दूसरी तरफ मुड़े रहूँगी, खुद ही गायब हो जाएगा बस। तो ये कुछ डिवोर्स के पेपर्स हैं जो लीजा ने दिया था जेम्स को। ठीक है आगे बढ़ते हैं।
तो गाइज इसी के साथ ये पूरी वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, बट आई प्रॉमिस मैं ये गेम पूरा ख़त्म करूँगी और सब कुछ आपके लिए अपलोड करूँगी। तो गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स पे ज़रूर बताना क्या आपने ये गेम पहले भी खेला है, और खेला है तो आपकी रिव्यूज़ क्या है इसमें। और ये भी बताना मत भूलना कि आप और कौन कौन सी गेम मुझे खेलते हुए देखना चाहते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। Lost in the scars, not the best. My mind takes flight.